आइए। इस्लाम से वालेकुम सलाम। सर, इसमें पिछले एक साल की स्टेटमेंट है और उन तमाम कार्ड्स का रिकॉर्ड है जो मैडम रुबाब के इस्तेमाल में। सर, इसमें कोई प्रॉब्लम है? मेरा मतलब है कोई एरर है या अमाउंट का फर्क है? हाँ, ऐसे ही कुछ मामला है। पिछले मैच ने भी स्टेटमेंट्स में कुछ एरर थे, तो मैंने सोचा प्रीवियस रिकॉर्ड मंगा के देख लें ताकि इस पे एक स्ट्रॉन्ग केस बना के एक्शन लिया जाए। ठीक है सर, आप चेक कर लें, डिटेल्स मुझे बता दीजिएगा, मैं बैंक में लेटर भेज दूंगा। थैंक ठीक है, ओके, थैंक यू। यू सर। यानी ये सिलसिला नया नहीं है, एक बार नहीं बार बार जेंट्स की शॉपिंग हुई है, वो भी लाखों रुपए की। और बदकिस्मती से ये सब कुछ मेरे सामने आकर भी मेरी नजरों से ओझल रहा। इसका मतलब ये है कि रुबाब का किसी लड़के के साथ बहुत क्लोज कांटेक्ट है। कौन हो सकता है वो लड़का जिसने रुबाब को मुझसे झूठ बोलना और मुझे फरेब देना सिखा दिया है? गॉड, अरे अम्मा, ये किस खुशी में, मेरे लिए या कोई आ रहा है? अरे शहला के रिश्ते वाले आ रहे हैं आज, और ये तो बहुत ही अच्छा हो गया बेटा कि तुम भी आ गए, वरना तुम्हारे अब्बा से कहाँ बैठ के ढंग से बात होती है। वो तो तुम ही हो जो तसल्ली से बैठ के उन लोगों से बात तो कर लोगे। अम्मा अम्मा, शहला की शादी की क्या जल्दी है, पढ़ रही है अभी वो बेचारी, और अरे आप किसकी सुनोगे? खैर, आपके दिल में जो आया वो करो, और वैसे भी ये आपका और अब्बा का मसला है, मेरा मसला नहीं है, मुझे नहीं घसीटना। हाँ भाई, तुम्हारा मसला थोड़ी है, और फिर तुम इस घर का हिस्सा थोड़ी हो, तुम्हारा हमसे क्या ताल्लुक वास्ता है? तुम्हारे लिए तो ये घर नहीं बल्कि एक सराय है, इसलिए तुम्हारा क्या वास्ता हमारी परेशानियों से, बल्कि तुम्हारे तो अपने बहुत सारे मसाइल हैं। अब्बा आए नहीं गए, आपकी तकरीरें शुरू हो गई। और ठीक है आपने कि मेरे अपने बहुत सारे मसले, जिस तरह मेरे इशू में आपका कोई ताल्लुक नहीं, उसी तरह मेरा भी आपके किसी भी इशू में कोई ताल्लुक नहीं, कोई वास्ता नहीं। अपने इशू सब खुद दे, मैं चाय बना देना मेरे। हाँ, आप घर आते ही बच्चे के साथ फिर बहस करना शुरू हो गए। आप तो ऐसे ताने दे रहे हैं जैसे आपको तो शैला की बड़ी फिक्र है। अरे ये जो रिश्ता आया है ना, ये भी नजमा को बोल बोल के मैंने बुलवाया है, वरना आपको ना फिक्र है बेटी की शादी की और ना ही बेटे की। देखो मेरी बात गौर से सुन लो, शैला अभी पढ़ रही है और अभी तक उसका ग्रेजुएशन पूरा नहीं हुआ है। अच्छा, तो इससे क्या फर्क पड़ता है, उसने कौन सी नौकरी करनी है, करनी तो यही घरदारी है ना। और वैसे भी लड़कियां ज्यादा पढ़ लिख जाए ना तो उनके दिमाग खराब हो जाते हैं। खैर से उनको तो ये चीज विरसे में मिली है आपकी जानिब से। हाँ, तुमसे तो कोई सीधी सच्ची बात कर लेना तो वो पागल या बेवकूफी होता है। लड़कियां भले से शादी करके घरदारी कर लें, लेकिन शैला अभी पढ़ रही है, और एक बात अपने दिमाग में अच्छी तरह डाल लो, जब तक वो अपनी तालीम मुकम्मल नहीं करेगी मैं उसकी रुख्सती नहीं करने वाला। लो भैया, वाह वाह वाह, शुरू हो गई इनकी तकरीर, हो गया ये रिश्ता, अभी रिश्ता आया नहीं कि बातें शुरू हो गई। और धनी लड़की कहाँ चली गई? शैला, ओ शैला, साहिल, मैं इतनी मुश्किल से आई हूँ तुमसे मिलने, तुम्हारा फोन क्यों बंद जा रहा है? कब से ट्राई कर रही हूँ, तुमसे फोन पे बात हो जाती तो। ओ, मेरे फोन की बैटरी वीक हो गई है, डाउन हो जाती है, मगर हुआ क्या है, मसला क्या है, बोलो। यार, हमारे घर आज एक फैमिली आ रही है मुझे देखने के लिए, और अम्मा कह रही है कि अगर उनको वो लोग पसंद आ गए तो वो मेरा रिश्ता पक्का कर देंगी। तो इसमें परेशानी की क्या बात है, रिश्ते तो आते ही रहते हैं। साहिल, तो मेरी अम्मा को अच्छी तरह से जानते हो, वो कितनी जिद्दी है, हर बात में वो सिर्फ अपनी मनमानी करती है, और अम्मा इस बार बहुत गुस्से में है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज साहिल कुछ करो तुम। इन हालात में नहीं कर सकता,
मेरे पास नौकरी तक नहीं है और मेरी बहनों की जिम्मेदारी है मुझ पर। और मैं क्या तुम्हारे लिए? तुम मोहब्बत के दावे कर सकते हो लेकिन शादी करने से भागते हो। देखो शैला, मैं अभी शादी के लिए जहनी तौर पर तैयार नहीं हूँ और मेरे हालात भी मुझे इजाजत नहीं देते इस चीज की। साहिल, तुम्हें शादी के लिए कौन कह रहा है? तुम एटलीस्ट रिश्ता भेजो, हमारी बात पक्की हो जाए। इन हालात में मुमकिन नहीं है, तुम समझो प्लीज। तो ठीक है, तुम अपने घर बैठ के अपने हालात ठीक करो, लेकिन अब मुझसे मोहब्बत के कोई वादे नहीं करना। और हाँ, अब मैं तुमसे दोबारा नहीं मिलूंगी। अरे शैला सुनो तो। अरे शैला, तुम कब आई बेटा? खाला बस अभी आई हूँ, अब पुलाव बनाया था ना अम्मा ने, वही देने आई थी बस। अच्छा अच्छा, हाँ भाई तुम्हारे घर का पुलाव तो साहिल को बहुत पसंद है। तो तुम जा कह रही हो, रुको तो, मुझे यकीन है नाजू ने तुम्हें चाय पानी नहीं पूछा होगा। अरे अम्मी, मैं तो उसको रोक रही हूँ मगर रुक ही नहीं रही है। अरे खाला, मैं कौन सा पहली दफा आई हूँ आपके घर, इस तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी मुझे घर जरा जल्दी जाना है, कुछ मेहमान आ रहे हैं तो तैयारी भी करनी है उसकी। अच्छा ठीक है, चल खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। मेरा जवाब अब भी वही है, चाहे तुम कितनी भी बहस कर लो मेरा इरादा नहीं बदलेगा। बाबा प्लीज प्लीज, माजी को भूल के आगे बढ़ना चाहिए आपको। जो हुआ सो हुआ, आपके सामने हम हैं, आपका हाल, आपका मुस्तकबिल। राहिल, हमारी क्या गलती है इसमें? आप लोगों की सजा हम क्यों भुगते? तुम्हें क्या हो गया राहिल? चार दिन पहले मिली लड़की के पीछे तुम माँ बाप से बात करने की तमीज भूल गए? कुछ नहीं बोला, वाकई कुछ नहीं बोला। बहुत इज्जत के साथ आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि मुझे एक लड़की पसंद है जिसका नाम है अलीना, उससे शादी करना चाहता हूँ, उसके घर चलें, उसके पेरेंट्स से रिश्ते की बात करें, बस। मैं उसकी शक्ल तक देखना नहीं चाहता और तुम चाहते हो मैं उसके सामने जाके हाथ फैलाऊं, उसकी बेटी को अपने घर की बहू बनाऊं? सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है फिर, मत बनाइए उसे आप अपने घर की बहू, लेकिन मेरी बीवी वो जरूर बनेगी। तो जाओ, जो करना है कर लो। तुम्हारे नाम के साथ मेरा नाम जुड़ा है, तुम कितना भी गिड़गिड़ा लो वो तुम्हारी बात नहीं मानेगा, क्योंकि उसके सीने में दिल नहीं पत्थर है, पत्थर जो टूट तो सकता है मगर पिघल नहीं सकता। जाओ जाके उस पत्थर से अपना सर टकराओ, जाओ। डैड प्लीज, आप मान जाए राहिल भाई की बात। शट अप, अच्छी तरह जानता हूं कब क्या करना है, दोबारा मैं ये मौजू ना सुनू। किससे हेल्प मांगूं? कौन है जो इस वक्त मेरी और राहिल की मदद कर सकता है, जिसकी बात बाबा और शौकत अंकल दोनों मान लें और ये दुश्मनी भूल जाएं? फुप्पो? हाँ, फुप्पो ऐसी हैं जिनकी खातिर बाबा सब कुछ भूल सकते हैं, उन्हीं की वजह से ही तो दोनों में झगड़ा है ना। वो अगर कहेंगी तो नहीं, फुप्पो नहीं कहेंगी, नेवर। वो भला क्यों चाहेंगी कि दोनों फैमिलीज एक हो जाएं? अगर ऐसा हुआ भी तो उन्हें एक बार फिर उस तकलीफ से गुजरना होगा।